वेलकम टू माई चैनल इज सृष्टि हियर एंड यू आर वॉचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आज मैं रिव्यू करूंगी, इनफैक्ट मैं कंपेयर करने वाली हूँ एक हाई एंड सनस्क्रीन और एक लो एंड सनस्क्रीन का। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास दो सनस्क्रीन है, एक है एवीन का सनस्क्रीन डे प्रोटेक्टर एंड दूसरा है जॉय का। अगर मैं बात करूँ कि एवीन का जो प्राइस है वो अगर ओरिजिनल प्राइस 1400 रुपीज का है बट मैंने जो परचेज किया था वो मुझे 1100 का मिला था और इसका जो प्राइस है वो 120 रुपीज है। सो गाइज आज मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी और किस में कौन से इंग्रीडियंट है और कौन से केमिकल और कौन से फिजिकल सनस्क्रीन है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसका, ये है एवीन का डे प्रोटेक्टर सनस्क्रीन। इट हैज SPF 30 PA++। ये एक फ्रेंच कंपनी है गाइज, इस पे जो भी लिखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स वो सारे फ्रेंच लैंग्वेज में थे। तो मैंने इसका जो इंग्रेडिएंट है मैंने Amazon से सर्च किया, वहां पे इनका कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिखा हुआ था और क्या प्राइस एंड सारा कुछ दिया हुआ था। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये जॉय का हेलो सन SPF 30 PA++ ओनली। गाइज अगर बात कर ले दोनों सनस्क्रीन की तो दोनों ही सनस्क्रीन को मैं काफी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट दोनों ही खत्म होने वाले हैं गाइज, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब अभी तो सही टाइम है इनको रिव्यू करने का। चलिए बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही प्रोडक्ट्स की रियलिटी को बताता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कैसा है और वो हमारे स्किन को सूट करता है या नहीं करता है। तो बात करेंगे अगर इसके इंग्रेडिएंट की तो सबसे अच्छा इसमें जो मुझे इंग्रेडिएंट लगा वो है सोयाबीन सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन सूदिंग का काम करता है और एक तरह का एमोलिएंट होता है जो कि काफी अच्छा है। अगर बात करें इसमें तो इसमें है कैरेट सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट। कैरेट सीड में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होता है एंड विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन को रिपेयर करता है सन डैमेज से। तो दोनों में ही जो मेजर इंग्रेडिएंट हैं वो काफी अच्छे हैं। दूसरा इसमें बात करेंगे तो इसमें टोकोफेराइल है। टोकोफेराइल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट और इसमें है कैमोमाइल। कैमोमाइल भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमारे स्किन को सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट की तरह एक्ट करता है। तो चलिए अगर इन दोनों का मेजर डिफरेंस मैं बताऊं तो ये फ्रेग्रेंस फ्री है और इसमें काफी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं बात करूं तो ये पैराबिन फ्री है और इसमें पैराबिन है, बट पैराबिन इसका जो है वो लास्ट सेकेंड इंग्रेडिएंट है। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी होगा परसेंटेज होगा वो काफी कम होगा पैराबिन का। गाइस ये इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब ये फिजिकल सनस्क्रीन है और ये केमिकल सनस्क्रीन है। फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन में कौन सा बेटर होता है इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सनस्क्रीन बेटर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिजिकल सनस्क्रीन काफी अच्छा होता है राधा केमिकल सनस्क्रीन के। इसमें जो भी इसमें कोकोनट है, ग्लीसरीन है, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। हालांकि ये इतना हाई एंड है, इतना महंगा इंग्रेडिएंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 ml का प्रोडक्ट आता है 1100-1200 रुपए में और इसमें 120 रुपए में आपको 60 ml का प्रोडक्ट आता है। तो हालांकि जो इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो दोनों में ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मेरे स्किन के लिए कोई भी इरिटेशन नहीं दिया, मेरे स्किन को दोनों ही इंग्रेडिएंट सूट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब क्या मेरे को कैसा लगा। तो टेक्सचर की अगर मैं बात करूं तो इसका भी काफी थिक टेक्सचर है ये। इट इज नॉट अ लाइट वेट सनस्क्रीन, यू कैन सी, बट ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देगा आपको। ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। सो इट इज अगर आपको ऐसा कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो वाइट कास्ट ना देता हो तो ये अच्छा सनस्क्रीन है गाइज, यू कैन सी। चलिए अब मैं अपने दूसरे हाथ में मैं ये वाला सस्ता सनस्क्रीन लगाऊंगी। अगेन ये काफी थिक और हैवी इसका कंसिस्टेंसी है बट ये इतने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है गाइज। आई लव दिस सनस्क्रीन सीरियसली, स्पेशली इन समर्स जब हम घर पे होते हैं तो हमें कोई भी ऐसा सनस्क्रीन चाहिए होता है जो बहुत ही लाइट वेट हो, जो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में।
सो गाइज, लेकिन ये भी कोई वाइट कास्ट नहीं देगा, ये भी स्किन में अच्छे से एक बार एब्जॉर्ब हो जाने के बाद बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हुआ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। यू कैन सी गाइज, अभी भी ये वाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, बट ये अभी टाइम ले रहा है, अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। बट गाइज सी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है टेक्सचर वाइज, दोनों ही लाइट वेट टेक्सचर है, दोनों कंप्लीटली स्किन में एब्जॉर्ब हो गए हैं, और इसने भी कोई वाइट कास्ट नहीं दिया है और इसने भी कोई वाइट कास्ट नहीं दिया है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट गाइज, दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर मैं प्रेफर करूंगी समर में अप्लाई करने के लिए, तो मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ समर्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है, बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर, और इसको अप्लाई करने से मेरे स्किन में कोई भी इरिटेशन नहीं होता। ऑब्वियसली जो सनस्क्रीन होता है हम अपने सीरम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम पहले सीरम अप्लाई करते हैं, फिर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ और उसके बाद ही अप्लाई करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा डर लगता है कि कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट तो नहीं है जो मेरे स्किन को इरिटेट कर दे या फिर मेरे स्किन पर रिएक्ट कर दे। सो इसमें ऐसा कोई भी इन्ग्रीडियंट नहीं है जो मेरे स्किन को इरिटेट किया या फिर रिएक्ट किया। अगेन ये बहुत ही कॉस्टली है, काफी महंगा सनस्क्रीन है, बट ये अच्छे, इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, ये केमिकल सनस्क्रीन है और ये घर में अप्लाई करने के लिए अच्छा है। बट गाइस ये थोड़ा सा ऑयली है, काफी हैवी होता है, अप्लाई करने के बाद मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने फेस पे कुछ अप्लाई कर रखा है, काफी हैवी है, नहीं काफी हैवी है। सो मैं इसको प्रेफर करती हूँ ठंड में अप्लाई करना, क्योंकि ठंड में हमारा स्किन ऑलरेडी थोड़ा ड्राई हो चुका होता है, तो इसकी वजह से जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्किन पे एक अच्छा सा बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं इसको विंटर में प्रेफर करती हूँ अप्लाई करना और मैं इसको समर में प्रेफर करती हूँ अप्लाई करना। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू। बट अगर मेरा दोनों में से अगर आप पूछेंगे कि मैं कोई एक सनस्क्रीन रेकमेंड करूं, तो मैं ये जॉय का सनस्क्रीन रेकमेंड करूंगी आप लोगों के। इट्स सच अ नाइस सनस्क्रीन गाइस, काफी लाइट वेट है, बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है। बस अगर लेकिन अभी जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करूँ जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, बट ये फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, इट हैज फ्रेग्रेंस और काफी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है। तो गाइज अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसा कोई स्ट्रांग फ्रेग्रेंस के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है, तो आप इसको अवॉइड करना, यूज करना, फिर आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस फ्री, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, इट इज नाइस सनस्क्रीन। सो ओवरऑल दैट्स द कंपैरिजन वीडियो, दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट का आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।